मैं साफ अरे में जो इनपुट्स होते हैं एक आउटपुट होता है, और कैरी बिट मतलब आती है आउटपुट के तौर पे, ठीक है ना। फुल एडर में हमारे पास दो इनपुट होते हैं और एक कैरी बिट होता है, और उसमें हमारे पास आउटपुट और कैरी। और हम नॉर गेट चूज करते हैं। नॉर गेट एग्जॉर गेट, एक्सोर एक्सोर एग्जॉर व्हाई व्हाई डिड यू यूज एक्सोर गेट मीन्स, क्योंकि हमारा जो सम आता है वो एग्जॉर गेट होता है, लाइक एग्जॉर गेट का एग्जॉर उसका जो सम होता है वो होता है, और जो कैरी का जो आंसर आता है वो हमारा एंड गेट का होता है, आंसर होता है। सो इसलिए एक्सओआर के जो आउटपुट होते हैं दैट इज सिमिलर टू द एडिशन ऑफ ए एंड बी इन केस ऑफ द हाफ एडर। सही है, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं एक्सओआर और एंड गेट को यूज करते हैं बेस्ड ऑन द इनपुट्स। फिर फिर फुल एडर में हम एक्सओआर यूज करते हैं, एंड गेट यूज करते हैं, और गेट यूज करते कितने इनपुट्स होते हैं इसमें, हैं। उसमें तीन इनपुट्स होते हैं, ए व्हाट आर दे? बी और कैरी। अच्छा कैरी कहाँ से आता है हमारे पास? कैरी हमारा जो स्टोर वैल्यू होती है हमारे पास अच्छा मेमोरी में, जो टेम्परेचर स्टोर हो रही होती है, जो ठीक है, हाफ आती है। अच्छा चलो अब इससे रिलेटेड जब बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ है जब हम इसके पास पेपर करेंगे देन वी वुड सी व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ इट व्हाट एवर यू हैव अंडरस्टूड। द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स बेसिकली क्या होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट वी वुड यूज एसआर और जेके। ठीक है, ये आपके कोर्स में है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लिप फ्लॉप एसआर एंड जेके एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एज डेटा स्टोरेज एलिमेंट्स। Before doing flip-flops, we need to know about what is a sequential circuit. When we were doing half adder and full adder, we discussed that it is a combinational circuit. ठीक है? अब ये यहाँ पे हमारे पास क्या है sequential logic. Based on the sequential logic, what is basically going to happen? के आपके पास ये input है और ये output है. ठीक है? Based on this output, this was again be taken as an input. ये वाला और फिर जो भी चीज आएगी उसका आउटपुट वुड बी कंसिडर्ड एज एन इनपुट एंड देन क्रिएट द न्यू आउटपुट। ठीक है, हमारे पास जो भी आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है उसका जो इनपुट होता है वो दूसरे वाले के अंदर एज एन इनपुट जा रहा होता है। यानी कि सपोज ये मेरे पास एक गेट है, सही है, इसके अंदर ये चीज आई, अब ये जो इनपुट है वो किसी और गेट के अंदर एज एन इनपुट जा रहा होगा एंड दैट is actually the part of it. अभी मैं ये पूरा डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि वो पूरा सर्किट बनाना पड़ेगा। पर्पस हमारे पास इसका क्या होता है, एक मिनट में पहले ये दिखा दूँ। ये देखो दिस इज द इनपुट, मेन इनपुट एंड दिस इज अनदर इनपुट। दो इनपुट है हमारे पास, एक ये है एक ये है। दिस इज इट नीड्स टू मिनिमम इनपुट, एक तो ये हो गया। जब इसमें से आउटपुट निकलेगा That would be considered as an input for the other gate, और इसका जो output है, this would be used as an input for the other gate that is a part of the circuit. So that is basically called as cross-coupled. What do we call it? Two cross-coupled gates. अच्छा, अब हमारे पास ये वाला condition होती है flip flops के अंदर कि जो previous आपका input होता है, वो ही उसका output जो है, वो दूसरे वाले gate का input होता है। जैसे कि ये वाला आगे। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? जी मिस, अच्छा, आफ्टर डूइंग दिस व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग दिस टाइप ऑफ गेट्स और सर्किट्स? ये बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे एक लिखा हुआ है गियर सिलेक्शन। गियर सिलेक्ट जैसे गाड़ी में तुम हम गियर्स ड्राइविंग आती है कुछ सुना होगा गियर्स, हम फर्स्ट गियर में जाते हैं और फर्स्ट गियर से हम क्या दोबारा ऑटोमेटिकली फर्स्ट से सेकेंड में आते हैं, सेकेंड से थर्ड और फिर फोर्थ। क्या हम फोर्थ गियर से स्टार्ट कर सकते हैं गाड़ी को? नहीं वी कैन नॉट डू इट। तो जब तक मैं फर्स्ट नहीं लूंगी मैं सेकेंड नहीं ले सकती,
सेकेंड इज बेस्ड ऑन द इनपुट ऑफ द फर्स्ट गेट फर्स्ट गियर, फिर सेकेंड इज द इनपुट ऑफ द थर्ड एंड थर्ड इज द इनपुट ऑफ द फोर्थ. सो दिस इज द होल सीक्वेंशियल सर्किट. सीक्वेंशियल सर्किट है ये कि एक का इनपुट जो है वो दूसरे का आउटपुट बन जाता है, सही है जी मिस. अच्छा ये कि कहाँ पे यूज होते हैं हमारे फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह. फ्लिप फ्लॉप्स बेसिकली सीक्वेंशियल लॉजिक पे डिजाइन होते हैं और इनका मेन पर्पस, अगर के थोड़ा बहुत तुम्हें ऑलवेज का याद हो, हमने स्टैटिक और डायनामिक रैम के बारे में पढ़ा था, याद है कुछ जी? वहां पे जो हमने एस रैम पढ़ी थी, एस रैम में लिखा हुआ था फ्लिप फ्लॉप्स, बस सिर्फ नाम यूज हुआ था. बट नाउ वी आर डीलिंग विद द फ्लिप फ्लॉप्स इन डिटेल, व्हाट एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप्स आर एंड हाउ डू दे वर्क. ठीक है, तो एस रैम्स आर बीइंग क्रिएटेड बेस्ड ऑन द लॉजिक ऑफ द सीक्वेंशियल लॉजिक, दैट इज फ्लिप फ्लॉप्स. ठीक है, और सीपीयू के रजिस्टर्स भी इसके ऊपर बेस करते हैं. इसका मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस ये होता है कि टू रिटेन डेटा दैट इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट, यानी सर्किट का जो भी आउटपुट आ रहा है वो रिटेन रहे, वो एग्जिस्ट करे थोड़ी देर को. ठीक है, अब किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, क्या होगा, वो अभी हम देखेंगे. जो भी डेटा होगा, यानी कि अगर तुम ये देखो, ये इनपुट, ये आउटपुट है, ये यहाँ पे ट्रैप हो रहा है, ये बाहर नहीं जा रहा. दिस आउटपुट इज अगेन बी द पार्ट ऑफ द सर्किट. अगर ये आउटपुट मैं यूज नहीं करूंगी तो मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. सो दैट इज बेसिकली द डेटा दैट इज बीइंग ट्रैप्ड हियर इन द सेम सर्किट दैट इज जनरेटिंग द सेम डेटा. सो यू गॉट इट, द डेटा इज बीइंग ट्रैप्ड इन दिस सर्किट. नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट इज बीइंग देयर यूज्ड देयर. एक हमारे पास क्लॉक का कॉन्सेप्ट होना जरूरी होता है. क्लॉक हमारी एक सिस्टम क्लॉक होती है, जो ये वाली क्लॉक नहीं जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होती है, बेसिकली दैट्स अ सिस्टम क्लॉक. और जो हमने रजिस्टर्स में पढ़ी थी कि रजिस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें क्लॉक पल्सेस चाहिए होती है, जो कि ये देख रही होती है कब हाई है और कब लो है. इसकी दो स्टेट्स होती है क्लॉक की, इट इज इट कैन ईदर बी हाई और लो. ठीक है, अब ये जब हाई और लो होगी, तो जब ये हाई और लो होगा तो दिस इज द लो स्टेट एंड व्हेन इट इज मूव्ड अप ये हाई हो जाएगी. ये क्लॉक की पल्सेस है. ठीक है, दिस इज वन कंप्लीट पल्स इन विच दिस इज द लो स्टेट देन हाई एंड देन लो. सो ये कंप्लीट पल्स जनरेट होगी. आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल बिकॉज वी नीड टू डू इट. जब हम जेके फ्लिप फ्लॉप करेंगे तो वहां पे हमें इसको पढ़ना होगा. बेसिकली क्या करता है, टू सिंक्रोनाइज अ सर्किट ऑपरेशन. सिंक्रोनस सर्किट्स के अंदर हमें क्लॉक को यूज करना होता है, जबकि एसिंक्रोनस जो होता है उसके अंदर देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ क्लॉक. ठीक है, क्योंकि क्लॉक जो है वो बिट बाय बिट किसी भी चीज को मूव करने के, सिक्वेंशियल क्या है, बिट बाय बिट मूवमेंट. जब भी बिट बाय बिट मूवमेंट हो रही होती है तो वहां पे क्लॉक जो है वो इसको कंट्रोल कर रही होती है. एक बिट चली गई, ठीक है, दूसरी बिट चली गई, ठीक है. अब जो भी बिट जा रही होती है, अगर कि सपोज आपके एक बाइट जा रही है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 bits. इसका मतलब है आपके सर्किट के अंदर 8 फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगी. जितनी बिट्स उतने फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो किसी एक बिट को कंट्रोल करती है और फिर उसको रिटेन करती है एंड देन इट वुड गो फर्दर टू डील विद द अदर बिट. सही, तो बिट बाय बिट जब सिक्वेंशियल डेटा मूव होगा, इट मीन्स हर बिट का एक अलग फ्लिप फ्लॉप क्रिएट होगा और वो क्लॉक के साथ मूव होता रहेगा, यानी क्लॉक उसको कंट्रोल करेगी. अच्छा, फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या होती है, एक लैच होती है. जैसे कि हम डोर को लैच लगा के क्लोज कर देते हैं ना, अगर कि मैं लैच लगा के डोर क्लोज कर दूं, जो लोग अंदर है वो अंदर ही रहेंगे, जो बाहर है वो बाहर ही, बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते, अंदर वाले बाहर नहीं जा सकते. इस कॉन्सेप्ट को कैरी फॉरवर्ड करना है हमने आगे, क्योंकि जब हम ये माइंड में रखेंगे तो तब हम इसको वीकनेसेस निकाल सकेंगे. ठीक है, हमें आगे जाके दो तरह के फ्लिप फ्लॉप यूज करने हैं, एक एसआर और एक जेके. एसआर में कुछ वीकनेसेस हैं जो कि जेके में रिमूव हो जाएंगे. अब वो वीकनेस क्या है, यही वीकनेस है कि जब डोर क्लोज है तो चीज बाहर कैसे जा रही है. यहाँ पे हमने ये चीज देखनी है कि वो किस तरीके से होगा. दिस इज बेसिकली फ्लिप फ्लॉप या लैचेस जो है ये फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं. हम ये नहीं देख रहे कि सर्किट इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास ये डिजाइन कैसे हो रही है, हम ये देख रहे हैं कि हाउ इट वर्क्स. हम डिजाइनिंग पे नहीं जा रहे. सो दिस इज बेसिकली द बेसिक स्टोरेज एलिमेंट दैट कैन स्टोर डेटा इधर इन द फॉर्म ऑफ जीरो और वन.
सिक्वेंशियल लॉजिक पे बेस करती है, यानी कि बिट बाय बिट मूव हो रही होती है एंड ऑल द बिट्स आर कंट्रोल्ड बाय द क्लॉक और ऑसिलेटर, दीज आर द पल्सेस, इट कैन ईदर बी हाई और लो. जब डेटा, इट मीन्स कि क्या हो रहा है, सिक्वेंशियल लॉजिक में हो रहा है और वो डेटा को ट्रैप कर रहा है. ट्रैपिंग मीन्स डेटा समवेयर इन द मेमोरी में स्टेज कर रही है, बाहर नहीं निकल रही. यानी जिस तरह डोर को क्लोज कर दिया तो डेटा अंदर ही है, बाहर नहीं जा रहा, वो ट्रैप डेटा ही मूव होता रहेगा सर्किट के अंदर. ठीक है, अब वीकनेसेस क्या है, अभी वीकनेसेस हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले हम इसकी टाइप पढ़ लेंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, एसआर और जेके. एसआर तो बहुत क्लियर है, एस मींस सेट, आर मीन रीसेट. बट जेके के अंदर ऐसा कोई ऐसी एब्रीवेशन नहीं है. जेके जो है वो एक बंदा था जिसने इसको इन्वेंट किया था और उसका नाम था जैक किल्बी. उसके नाम पे हमने जेके फ्लिप फ्लॉप्स रख दिए, इसको डी टाइप फ्लिप फ्लॉप्स भी कहा जाता है. ठीक है, अच्छा नाउ पहले हम एसआर देख लेते हैं. अगर हम एसआर की बात करें, इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ईदर बाय अ नॉर गेट और बाय अ नैंड गेट. दोनों में से कोई भी आप गेट यूज कर सकते हो. अगर आप ओ लेवल्स की नॉलेज देखो प्रीवियसली, तो हमने नैंड गेट को रिप्लेस किया था, सारे गेट्स को रिप्लेस किया था विद अ नैंड गेट. जी. ये दो वो गेट्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल गेट्स होते हैं. सही, ये दो यूनिवर्सल गेट्स क्यों होते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी सर्किट बनाना हो हम इन दो गेट्स को यूज करके आराम से बना सकते हैं. वी डोंट नीड एनी अदर गेट. अगर हम इन दो गेट्स को यूज करें, हमारा हर तरह का सर्किट बन सकता है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल. वन थिंग, नेक्स्ट, हमारे कोर्स में नॉर गेट है लेकिन हम नैंड गेट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. उसका रीजन ये है क्योंकि नैंड गेट जो है वो जेके फ्लिप फ्लॉप में यूज हो रहा है. अब जो भी फ्लिप फ्लॉप्स की टाइप हम पढ़ेंगे, एसआर या जेके, हम पहले उसका सर्किट देखेंगे और उसका ट्रूथ टेबल देखेंगे और फिर ये देखेंगे हाउ इट वर्क्स. पहले मैं और गेट का एक बता दूं. और गेट में हमारे पास क्या था, इनपुट ए और बी का इनपुट था और हमारे पास आउटपुट क्या आता था इसका, 0 1 0 1 0 0 1 1. तो क्या आउटपुट आता था इसका, ये आता था. अच्छा, अब इस आउटपुट में थोड़ा नोटिस करो कि वन कहाँ कहाँ आ रहा है, जहाँ पे वन है, मतलब जहाँ पे इनपुट हमारे पास वन है. अच्छा, जहां भी हमारे पास इनपुट वन है, एक भी अगर इनपुट वन है तो हमारे पास आउटपुट वन आ रहा है, और अगर हमारे पास दोनों जीरो हैं, देन इट गिव्स जीरो एज एन आउटपुट. ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी हमारे पास एक डिफरेंशिएशन है. अगर कि हमारे पास ये दो, एक भी सर्किट का कोई भी दो हम देख लेते हैं कि ये इनपुट है तो ये हमें आउटपुट दे रहा है वन. ठीक है, ये भी है, बट इसमें अगर कि एक जीरो या एक वन हुआ, फर्स्ट अगर इनपुट वन होगा तो ये हमें दोनों वन देगा. अगर कि यहाँ पे फर्स्ट इनपुट जीरो है और वन है तो हम इसको वन कंसिडर करें. तो हमने इसको तीन पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. एक ये कि अगर दोनों बिट्स ऑफ होंगी तो जीरो दे रहा है. दूसरा हमारा कंक्लूजन ये कि अगर फर्स्ट बिट वन होगी, नहीं, अगर फर्स्ट बिट वन होगी तभी आउटपुट वन देगा, और अगर एक जीरो और एक वन है तो ये हमें वन देगा. फर्स्ट अगर बिट जीरो है और दूसरी अगर बिट वन है तो ये हमें वन देगा. ये तीन एनालिसिस की बेस में हम इसको फर्दर रीड करते हैं और इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं. सेट और रीसेट. रीसेट का मतलब क्या होता है, सारी सेटिंग जीरो पे आ गई जी, और सेट का मतलब हमने उसको वन पे कर लिया. अच्छा, अब यहाँ पे देखो, मैं पहला केस डिस्कस करती हूँ कि मैंने इसको सेट कर दिया. सेट और रीसेट में एक वक्त में कोई एक काम हो सकता है, या तो मैं सेट करूंगी या मैं रीसेट करूंगी. क्या मैं दोनों काम एक वक्त में कर सकती हूँ? नहीं नहीं, ये बात हमारे पास कंफर्म्ड है कि या तो हम सेट कर सकते हैं या हम रीसेट कर सकते. मैंने पहले सेटिंग वाला ऑप्शन देखा कि मैंने सेट को वन कर दिया और रीसेट को जीरो कर दिया. Putting this, यहाँ पे वन है और यहाँ पे
जीरो है, ठीक है। अगर कि ये वन है और ये मुझे पहले वाले केस में तो क्या आउटपुट आएगा मेरे पास, ये आउटपुट क्यू है और ये आउटपुट जो है वो इसके अंदर जा रहा है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि क्यू और क्यू नॉट एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, कभी भी सेम नहीं हो सकते। हाँ, ये एक फैक्ट और आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इन सारे फैक्ट्स की बेसिस पे सेट और रीसेट कभी भी एक वक्त में सेम चेंज नहीं हो सकते, अलग अलग टाइमिंग्स है, क्यू और क्यू नॉट हमेशा ऑपोजिट होंगे। इन दो इंफॉर्मेशन की बेस पे अब हम अपने फर्दर सर्किट को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन है और यहाँ पे जीरो है, ठीक है। जीरो है जब ये वन यहाँ पे जाएगा, ये जीरो है, जीरो पहले पहले ये इसका आउटपुट निकलेगा, उसके बाद फिर यहाँ जाएगा। यहाँ पे वन है और अगर मैं ये देखूं तो ये जीरो है, जीरो वन क्या हो जाएगा मेरे पास आउटपुट वन, तो यहाँ पे वन आ गया। और अगर मैं यहाँ पे वन करती हूँ, ये वन इनपुट हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ वन करती हूँ तो जीरो और वन क्या बन जाएंगे, वन, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है कि आउटपुट मेरा वन हो गया, ये वन, और ये क्यू नॉट मेरा जीरो आना चाहिए। बस यहाँ पे जीरो आएगा ना, क्योंकि देखिए हम ये इसका जो आउटपुट है वो इसमें लेकर जा रहे हैं। एक मिनट, और गेट में क्या होता है, एडिशन? हाँ, एडिशन कहाँ पे जीरो आएगा तुम कह रही हो? बस लाइक यहाँ पे, यहाँ पे इधर कैसे लॉजिक क्या होगी उसकी? मिस वजह यही होगी ना कि जब आउटपुट जी आ रहा है तो फिर वो जाएगा इनपुट एज। मिस आप लाइक ये कर रही है ना कि इसका जो आउटपुट है, हाँ, तो फिर आप इनपुट ले रही है, हाँ उसी को मैंने इनपुट लेना है। अब ये आउटपुट वन है, ये आउटपुट वन आ गया, फिर ये एज एन इनपुट जा रहा है इसके अंदर। जब ये एज एन इनपुट जा रहा है तो अब ये वैल्यू वन है यहाँ पर, तो जीरो वन वन हो गया, सही तो है, सही तो है। अच्छा, अब हम फर्दर करते हैं, यहाँ पे एक चीज ये है मेरे पास वैल्यू, ठीक है ये तो लिखा हुआ। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन क्या है कि अब हम सेट को हमने वन किया हुआ है और जीरो किया हुआ है, सेट हम वन ही रखते हैं और रीसेट को जीरो से वन कर देते, ठीक है। इनपुट हमारे पास कैसे आए, कौन से वाले एस और आर के इनपुट कैसे आए हमारे पास? हमने कंसिडर किया ना, पहले हम एस को हमने वन किया, हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अज्यूम कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे, मतलब अभी हमने किया कि हम अभी सिस्टम को सेट कर रहे हैं, सिस्टम को सेट करने का मतलब वन और सिस्टम को रीसेट करने का मतलब है जीरो, जीरो। तो उसकी बेस पे हमारे पास क्या होगा कि अब हम इसकी बेस पे हम अपना आउटपुट निकालेंगे। तो आउटपुट निकालने के लिए हमने क्या करना है कि हम इसको यूज करेंगे और फिर हम इसके इनपुट लेंगे। अभी क्लियर हुआ? हेलो।